जय हिंद दोस्तों, मैं दिवाकर भगत आप सभी को रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th का है, ठीक है। लेकिन आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट नहीं करके थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें मैथमेटिक्स में, जैसे हम लोग कहते हैं टेलर फॉर्मूला, जैसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारा जो कि 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड किया गया है। इसका डिस्कवरी जो है बेसिकली हमारे ग्रंथ में, पुराणों में, वेदों में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो थोड़ा सा हम इतिहास को जानेंगे कि किस तरह से भारत में गणित का उदय हुआ, मैथमेटिक्स का उदय हुआ, ठीक है। कैसे जो इंडिया है बहुत ही आगे था मैथमेटिक्स में प्राचीन काल से। अगर हम बात करें तो एंशिएंट इंडियन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कल्चर आता है, डेट इज द मोहनजोदारो कल्चर, वहां पे जो गली था, जो रोड था, ठीक है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानते होंगे, वो एक मतलब एक पैटर्न में था, स्क्वायर में था। रोड जो है 90 डिग्री पे कट कर रहा था, तो वहां पे जो ज्योमेट्री है, वहां पे ज्योमेट्री को यूज किया गया था। तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुलवा सूत्र का, ठीक है। सुलवा सूत्र जो है एक ग्रंथ, मान लीजिए एक ग्रंथ है जिसको लिखा था बुधायन ने। किन्होंने लिखा था? बुधायन ने, हमारे पूर्वज हैं ये, बुधायन ने लिखा था। और ये कब लिखा था? 6th BC में लिखा था। मतलब आप ये समझिए कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध और महावीर का जो जन्म हुआ था, उस टाइम में सुलवा सूत्र लिखा गया था। और इन्होंने उस टाइम में बताया, मतलब जो रिलेशन निकाला कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइपोटेनस होता है, डेट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम लोग आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि इसका सोर्स कहां है। ये बुधायन ने लिखा है, एनसीईआरटी के बुक में भी ये चीज है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के बुक को अगर फॉलो करते हैं तो वहां पे भी मिल जाएगा। दूसरा कि इन्होंने ही पाई का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट किया, राइट। इन्होंने ही पाई का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट किया। तो 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो मोहनजोदारोज कल्चर था, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो हमारा कितना बीसी में है? वो हमारा 2000 BC में है, 2000 से 3000 साल पीछे बीसी में। और इस केस में यहाँ पे जो गली थे वो 90 डिग्री पे था, यहाँ पे पिट था, यहाँ पे स्नानागार थे जो कि मैथमेटिक्स के हिसाब से डिजाइन किया गया था। तो सोचिए उस टाइम में मैथमेटिक्स कितना डेवलप था, जब लोग पढ़ने नहीं जानते, दुनिया के लोग जब जानते ही नहीं थे कि पढ़ना क्या होता है, उस टाइम में हमारे पूर्वज मैथमेटिक्स को यूज करते थे, एस्ट्रोनॉमी में यूज करते थे, एग्रीकल्चर में यूज करते थे, एग्रीकल्चर तक में यूज करते थे इसे। जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोई हिस्ट्री का बुक, एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है वो अगर पढ़ते हैं तो। चलिए, इसके बाद बुधायन के बाद नाम आता है, आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट का, ठीक है। आर्यभट्ट भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और इनका जो पीरियड था वो है 499 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, 500 साल अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए। और इन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, इन्होंने जीरो को यूज किया, ठीक है। इन्होंने जीरो को यूज, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, डिस्कवर जीरो को यूज किया, डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि शून्य जो है, जीरो जो है अनंत काल से चला आ रहा है, बहुत ही प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। तो जीरो का खोज किसने किया ये एनोनिमस है, कोई नहीं जानता है कि किसने किया, बट इन्होंने जीरो को यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, जीरो को फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया। और इसके साथ ही जीरो को यूज करने के बाद दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम का भी इन्होंने डिस्कवर किया।
तो जो डेसिमल सिस्टम आज हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन में, बेसिकली इंडिया का ही देन है। आगे चलते हैं, क्या क्या इंडिया ने दिया है मैथमेटिक्स में, साथ में इन्होंने ही कैलेंडर बनाया, बहुत कुछ है यहाँ पे। अच्छा, जो नंबर थ्योरी है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनपे बहुत सारा रिसर्च इन्होंने किया और अपना बुक आर्यभट्ट लिखा, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया। चार बुक इन्होंने लिखा था। आगे चलते हैं आर्यभट्ट के साथ। अच्छा, आर्यभट्ट ने और क्या क्या चीज बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है वो गोल है, पहला तो ये, और ये अपने एक्सिस पे घूमते। देखिए, हिस्ट्री की बात में कर रहा हूं, थोड़ा मैथमेटिक्स में भी पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। इनके बारे में आप, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आर्यभट्ट ने जीरो का यूज किया, बट जीरो एज ए नंबर, जीरो को नंबर कहा किन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने। अब देखिए यहां पे जीरो आ गया, जीरो को नंबर सिस्टम में लेके आए किन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने, और साथ में ही इन्होंने नेगेटिव नंबर का भी इन्वेंशन किया। और कैसे किया, इसके पीछे लॉजिक था कि अगर आपके पास कोई गेन होता है, जिसको हम फॉर्च्यून कहते हैं, ठीक है, फॉर्च्यून कहते हैं, तो इसको कहा गया कि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर कोई लॉस हुआ, ठीक है, कोई भी लॉस होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेप्ट, ठीक है, कर्ज जिसको कहते हैं, डेप्ट हो गया, तो इसे हम निगेटिव नंबर कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग के नंबर हुआ करते थे, जिसे प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो कि स्टार्ट होता था 1 से 2 से 3 से 4, मतलब 1 से स्टार्ट होता था, और प्राकृत संख्या कैसे जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन, ये प्राकृत संख्या बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने जीरो को ऐड किया और जीरो के साथ एक नंबर सिस्टम को, नेगेटिव नंबर को ऐड किया, -1, ठीक है, -2 -3, इस तरह से, तो एक नंबर लाइन बन गया यहां पे मैथमेटिक्स में। तो जब हमारे पास इक्वेशंस सिर्फ लेन देन की बात हुआ करता था, जब से प्राकृत संख्या, जैसे ये कहा गया कि मैंने मान लीजिए कि मैंने 5 रोटी लिया, तो कितना लिया, 5, और 5 वापस दे दिया, बचा कितना, आंसर आया 0, 0 का एक नंबर दिया किन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, 0 को नंबर। लेकिन अगर मैंने किसी से 5 लिया और 10 ले दिया, अब हमारे पे कर्ज हो गया, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, और यही चीज ब्रह्मगुप्त ने बताया नेगेटिव नंबर के बारे में, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या आया, प्राकृत संख्या आया, ठीक है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 0 ऐड हो गया, होल नंबर आ गया, होल नंबर के बाद हमारे पास नेगेटिव नंबर ऐड हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। अभी तक फ्रैक्शन नहीं आया है, क्योंकि जो फ्रैक्शन था कहां पे, यहां पे आई, आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम को यूज किया, तो फ्रैक्शन जब प्राकृत संख्या था, जीरो से पहले प्राकृत संख्या था, उसके बीच में फ्रैक्शन था, तो ऑलमोस्ट ये जो चीज है, नेचुरल नंबर, जीरो, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, ये सभी का सभी हमारे भारत में ही, हमारे इंडिया में ही इसका उदय हुआ है, ठीक है। और ये सब आपको मिल जाएगा, अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स देखते हैं तो वहां पे वैदिक मैथमेटिक्स में मिल जाएगा किस तरह से हुआ है। और भी बहुत सारे, उसके बाद आए भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने 4 बुक लिखा, जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे, लीलावती, बीजगणित, मतलब ये सब बुक है जिसमें इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री तक को डिस्कस किया है, राइट। और ये सब बुक को बाद में लोगों ने, अकबर के कोर्ट में जो पंडित थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ग्रीक वालों ने आके कॉपी किया, यूरोप वालों ने आके कॉपी किया और अपना लेक्चर दिया। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में जो हम लोगों का सोच था, हम लोगों ने ज्ञान को बांटा नहीं, ठीक है, डेवलप नहीं किया। तो यहां से जो शासक आए इंडिया में, राज किए, राज करने के बाद जो कुछ इंफॉर्मेशन मिला वो लेके गए और वो अपना पेटेंट करा लिया, उनके नाम से चल गया, ठीक है। तो ये सब चीज है, लेकिन सभी का रूट्स कहाँ है, सभी का रूट्स हमारे इंडिया में। तो इंडिया ही एक ऐसा देश है, प्राचीन देश है, जहां पे सबसे पहले क्या हुआ, सभ्यता जन्मी, जहां पे सबसे पहले मैथमेटिक्स का यूज हुआ। इजिप्ट में भी इस चीज की बात, हिस्ट्री में इजिप्ट का भी चर्चा है, जहां पे मैथमेटिक्स को बहुत ही जोर शोर से देखा गया और लर्न किया गया, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा कि नंबर सिस्टम के डिस्कवरी के दौरान
सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर हुआ करता था, बाद में ब्रह्मगुप्त ने जीरो को ऐड किया एज ए नंबर, जीरो को यूज किया किस, सबसे पहले किसने, आर्यभट्ट ने, और इन्वेंशन किसने किया पता नहीं, ये चीज ध्यान में रखना है। और एज ए नंबर सबसे पहले कौन यूज किया, ब्रह्मगुप्त में, और ब्रह्मगुप्त ने ही बाद में इसके बाद निगेटिव नंबर को ऐड किया इसी में, तो हमारे पास नंबर सिस्टम बन गया। तो बहुत सारे मैथमेटिक्स का जो पजल है, जो क्वेश्चंस है, इतना ही पे सॉल्व हो जा रहा था तब तक जब तक कि कुछ इक्वेशंस ऐसे आए जिसका सॉल्यूशन इन नंबर में नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, इससे पहले हम इसे इरेज करते हैं। और भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं मेडिवल पीरियड में, नारायण पंडित, और रिसेंटली 100 साल पहले 150 साल पहले अप्रोक्सीमेटली कौन हुए गणितज्ञ, महान गणितज्ञ रामानुजम, जिसपे हमारा चैनल है जिसका नाम है रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। तो बेसिकली मैंने रामानुजम, श्री रामानुजम के नाम पे ही ये चैनल रखा है, नाम रखा है, जिससे कि मैं चाहता हूं कि जो मैथमेटिक्स दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। तो कौन थे रामानुजम, वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत ही मतलब उनसे जो है ना आयंस, अच्छा उनका तो ऐसा था कि उनके सपने में ऐसा कहा जाता था कि देवी माता आती थी और उनके थ्योरम देके चली जाती थी। उनका जो थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम उन्होंने सिर्फ रिजल्ट लिखा है जिसका प्रूफ नहीं है, और एक रिजल्ट ऐसा है जो कि आप समझेंगे। मैं बता देता हूं उनका एक रिजल्ट कि जैसे हम लोग एपी में क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, और ये रिजल्ट अभी अभी रिसेंटली 20-25 साल 30 साल पहले रिंग थ्योरी में यूज हुआ है। रिजल्ट क्या है कि अगर हम 1+2+3+4+so on n तक ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आता है, n(n+1)/2 आता है, राइट। पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव नंबर है और रिजल्ट पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन 1+2+3+4 इसको अगर हम इनफाइनाइट तक ऐड करते हैं तो कैन यू इमेजिन नंबर क्या आएगा। ये नंबर जो आता है, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नहीं आता है, ये नेगेटिव नंबर 1/12 आता है। और इसको यूज किया गया है रिंग थ्योरी में, इसका प्रूफ भी है कि कैसे -1/12 नेगेटिव नंबर आता है, ये प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा कैसे आता है, वैसे आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरम है जिसको इन्होंने इजाद किया और अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। तो बहुत ऐसा कहा जाता है कि इनका अगर थ्योरम जो है मैथमेटिक्स का जो भी थ्योरम है अगर उसको सॉल्व कर लिया जाए, ऐसा कहा जाता है, मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, तो वो टाइम मूवमेंट भी हो सकता हो उसमें, ठीक है, जिसको हम टाइम ट्रेवल करते कहते हैं, और बहुत यूनिवर्स का बहुत सारा जो गूढ़ रहस्य उसे भी समझा जा सकता है इनके थ्योरम से। तो ऐसा कुछ है मैथमेटिक्स में, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा जानता हूं, बस पढ़ाता हूं थोड़ा बहुत। चलिए, तो हमने सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर। यहां पे नंबर थ्योरी को हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। नेचुरल नंबर में हमने देखा जीरो तो नहीं है 1, 2, 3, 4 इस तरह से नेचुरल नंबर आया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ऐड हो गया, ब्रह्मगुप्त ने ऐड किया, होल नंबर आ गया जो कि स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ब्रह्मगुप्त ने ही कहा कि चलो जी निगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, यहां पे निगेटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है। निगेटिव नंबर में आ गया क्या, निगेटिव नंबर में क्या आ गया, -1, -2, -3, तो -4, तो एक आ गया हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, रियल नंबर। चूंकि फ्रैक्शन ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका था किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा ऑलरेडी डेवलप किया जाता था, फ्रैक्शन भी इसी में आ गया। कुछ इरेशनल नंबर रह जाता था, वो भी बीच बीच में आ ही जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब फायर अल्टर मतलब बलि के लिए जो आग का जो होता है ना, जो पूजा यज्ञ करते हैं, तो आग का इतना भी स्क्वायर होता है, कभी ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है, तो वह यहां से इरेशनल नंबर का भी इजाद हुआ था। तो बहुत सारा थ्योरी है इसमें, बहुत सारा हिस्ट्री है, तो सारा चीज को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो
तो कुल मिला के रियल नंबर आ गया हमारे पास और एक रियल लाइन आ गया, डेट इज 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से एक रियल नंबर आ गया। इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, निगेटिव नंबर भी हो गया, फ्रैक्शन भी हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल, ये सारे नंबर आ गए। तो अभी तक काफी सालों तक बहुत हर एक इक्वेशन, हर एक सिचुएशन में क्या होता था कि सॉल्यूशन जब हम करते थे तो रियल नंबर से क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। बट एक इक्वेशन आ गया सॉल्व करते करते x² + 4 = 0। अब इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो डिस्कवरी है, जो उदय हुआ है, वो भी भारत में ही हुआ है। और उसके पीछे आप देखेंगे इसमें क्या कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकल के आएगा कि ax² + bx + c। तो यहां पे इस तरह का आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 4 = 0। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश किया गया, तो चलो जी दोनों तरफ हम लोगों ने माइनस को घटा दिया, ठीक है, -4 कर दिया, -4 हो गया, ये 0 हो गया। अब x² = -4 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो x है वो रियल नंबर है और उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं। तो रियल नंबर कोई भी ले लीजिए, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर के अलावा भी कुछ ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन उसे हम काल्पनिक नंबर कहेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो नंबर नहीं होगा, अकल्पनीय होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कहने का मतलब वो एग्जिस्टेंस कहेगा लेकिन उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो वहां से यहां से एक सिंपल सा ले लेते हैं कि अगर x² + 1 = 0, सो x² = -1। देखिए कहां से हम लोग चले थे, हिस्ट्री से चले थे और मैथमेटिक्स में कहां आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो रियल नंबर का कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे वो माइनस वन हो, यूनिटी हो, तो यहां पे उस नंबर को हम कहते हैं i। सो वी कैन राइट हियर x = √-1, सो दिस माइनस वन इज टेकन इज i = -1। सो ये जो है बेसिक हो गया इमेजिनरी का, मतलब इमेजिनरी नंबर का अगर हम स्टार्टिंग कह दे तो ये हमारा बेसिक हो गया i = √-1, और यहीं से हमारा अगर √-1 i होता है तो यहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो i = √-1, सो i² = √-1 × √-1, सो दिस इज इक्वल टू i² × i = ये माइनस वन होगा, सो -1 × i, सो दिस इज -i, और i² = -i × -i, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i² का दो बार यहां पे i² × i², सो दिस इज -1 × -1, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पे कि कोई का जो काल्पनिक राशि था, जो वास्तविक संख्या था, जो इमेजिनरी नंबर है, उसका 4 किए तो क्या आ गया, रियल आ गया। तो कुछ इस तरह का चीज आ गया, तो i = -√1, इसे हम बेसिक मान के हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ब्रांच बन जाता है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो यहां पे जो चीज देख रहे हैं ना, i² × i³ × i4, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि जब हम साइक्लिक चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज निकल के आता है, और ये साइक्लिक मेथड जो मल्टीप्लीकेशन करते साइक्लिक मेथड में, ये भी जो है भास्कराचार्य द्वारा ही दिया गया है, पीछे मिट गया, भास्कराचार्य द्वारा ही दिया गया है कि साइक्लिक कैलकुलेशन। सो i = -1, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, डेफिनेशन जानेंगे,
इसको हम देख इसका एलजेब्रा जानेंगे, इसका हम डिवीजन एलजेब्रा में पॉजिटिव इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो देखेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे, किस तरह से इसको हम ऑर्गेनिक प्लेन में क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूब रूट, बहुत सारा कुछ है अभी जानने को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन पे हम लोगों ने बात किया, किस तरह से हिस्ट्री से हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आप एंजॉय किएंगे इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।